आज हम आपको देंगे रिव्यू 10 प्रकार का, जिसने शुरुआत की है इन सब की, मिड साइज एसयूवी की, क्रेटा, सेल्टोस और नेक्सॉन इन सब की। तो ये है आज हमारे पास डस्टर, डस्टर रेनॉल्ट की। रेनॉल्ट को लोग कम जानते हैं और इसको लोग ज़्यादा जानते हैं डस्टर के नाम से। सबको लगता है कि कंपनी जो है वो डस्टर की। Now I am ready for the office. तो आज हम जाएंगे डस्टर के अंदर। हाँ, ये ले ली है चाबी गाड़ी की और चलो चलते हैं। हमेशा जो है ना सीट बेल्ट पहननी चाहिए गाड़ी के अंदर। और मेरी जो है सभी व्यूअर्स को यही सजेशन है कि ऑलवेज वियर सीट बेल्ट, इट विल प्रोटेक्ट यू। ओके, तो अभी आके हम आपको देंगे डस्टर का रिव्यू। दिखाओ, ये डस्टर गाड़ी का रिव्यू देंगे। दिख रहा है लोगों, ये ठीक है। तो अभी चलते हैं, शाम को आके आपके लिए डस्टर का रिव्यू देंगे। ओके, बाय बाय। आज हम आपको देंगे रिव्यू डस्टर कार का, जिसने शुरुआत की है इन सब की, मिड साइज एसयूवी की, क्रेटा, सेल्टोस और नेक्सॉन इन सब की। तो ये है आज हमारे पास डस्टर, डस्टर रेनॉल्ट की। रेनॉल्ट को लोग कम जानते हैं और इसको लोग ज़्यादा जानते हैं डस्टर के नाम से। सबको लगता है कि कंपनी जो है वो डस्टर ही है। हेलो गाइस, ये है आज हमारे पास रेनो की डस्टर। तो आज हम इसका करेंगे रिव्यू, तो चलो चलते हैं। ये है 2013 मॉडल और जुलाई 2013 का है। और इसकी फ्रंट ग्रिल देखिए आगे से, और ये है इसकी कुछ फ्रंट ग्रिल, और ये है रेनॉल्ट का लोगो। और इसमें जो है लाइटें आती हैं, जो हाई बीम लो बीम, वो है हैलोजन बल्ब। और यहाँ टर्न इंडिकेटर, इंडिकेटर आप देखो हेलोजन में है। ये लो बीम और हाई बीम लाइट है। लाइट का थ्रो इसका काफ़ी अच्छा है हेलोजन होने के मुकाबले भी। और कुछ इस तरह से आपको बलती है ये, इतनी बड़ी एसयूवी जो आज के टाइम की मिड साइज एसयूवी है उनसे काफ़ी लंबी है ये। इसकी जो लेंथ है वो है 4315 mm लेंथ है, क्रेटा से काफ़ी लंबी है। और इसका व्हील बेस जो है वो और सब गाड़ियों के जो आज के टाइम की मिड साइज एसयूवी है उनमें सबसे बड़ा है। 2680 mm का व्हील बेस मिलता है, क्रेटा के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। और ये जो 1820 mm इसकी जो है चौड़ाई है क्रेटा से, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये है इसका कुछ साइड प्रोफाइल, और ये है डीजल, RXL डीजल है। इसमें दो मॉडल आते हैं, 110 PS और 85 PS। ये जो है वो 85 PS की है। साइड से देखने पे आपको ये काफ़ी बिग साइज़ की लगेगी। और ये कुछ इसका टायर साइज़ जो है वो है, आप देखो 215/65 R16 इंच के टायर साइज़ हैं, अलॉय हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है इसका लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। बैक साइड में लिखा हुआ है ये बड़ा बड़ा डस्टर, और ये काफ़ी बड़ा रेनॉल्ट का लोगो है रेनॉल्ट। और ये है मॉडल का नाम RXL DCI, डीजल इंजन, पेट्रोल में भी आती है ये गाड़ी। और ये देखिए बाहर इसका बड़ा हुक दे रखा है, जो कि इसकी ताकत को दर्शाता है कि ये किसी भी गाड़ी को खींच के बाहर निकाल सकती है। ये इसकी जो है ब्रेक लाइट, इंडिकेटर पीछे दे रखे हैं, ये सारे हेलोजन हैं। और इस गाड़ी में खासियत देखो, आपको डीफोगर और वाइपर मिल जाता है। और शार्क फिन एंटीना नहीं है इसमें, सिंपल एंटीना है। और रूफ रेल है जो कि एक्टिव है।
तो ये भाई लाजवाब गाड़ी थी उस टाइम की, आज तक भी ये मस्त चल रही है। अभी आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर, तो अब आ जाते हैं इसके इंटीरियर में। इसका डोर कुछ है, इसका इंटीरियर बहुत बड़ा डोर है, काफ़ी वाइड ओपन होता है, आप आराम से बैठ सकते हो इसके अंदर। और डोर में ये हैंडल मिलता है, चारों पावर विंडो यहाँ मिल जाते हैं आपको कंट्रोल, और यहाँ कुछ आप सामान रख सकते हो, कुछ इस तरह से आपका ये इंटीरियर दिखता है। चलो अब अंदर आते हैं, कर सकते हो टिल्ट कर सकते हो स्टेयरिंग को, ये टेलीस्कोपिक नहीं है, ये बंद कर देते हैं। ये है इसका कुछ इंफोमेंट क्लस्टर, जो कि आपको ये गाड़ी चल चुकी है 1,05,073, काफ़ी अच्छी चली है अभी तक इसमें, ये जो है ना 1,05,073 किलोमीटर चल चुकी है। इसमें टाइम आता है, इंजन की लाइट है, और ये आपको तेल आरपीएम और स्पीडोमीटर दिखाता है। ये आप सुनो आवाज़, कितना हैवी डोर है इसका। और ये है आपके एसी वेंट, जो कि सर्कुलर है, काफ़ी अच्छा है। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, टच स्क्रीन नहीं है, बटन है, और इसमें नेविगेशन है। ये आपके लॉक अनलॉक है, सेंटर लॉकिंग। ये हैजार्ड लैंप दिखाता है आपको। और ये है आपके एसी नॉब्स, ब्लू, कूल और हॉट्स, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कहाँ पर आपको हवा चाहिए। यहाँ पर कुछ स्पेस है, यहाँ पर हनुमान जी हमने रखे हुए हैं, और यहाँ भी कुछ स्पेस है। ये इसका ग्लव बॉक्स है, जो कि काफ़ी अच्छा बड़ा है, रख सकते हो। विंडो क्लोज के लिए वहाँ ऑप्शन है। ये इसका गियर नॉब है, जो कि काफ़ी स्मूथ, ज़्यादा स्मूथ नहीं है ये डीजल के अकॉर्डिंग। और ये जो है आपको साइड मिरर एडजस्टमेंट जो है इलेक्ट्रिकली आप कर सकते हो, जो साइड मिरर है ये आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। ये जो है फोल्डेबल नहीं है साइड मिरर। तो अभी आ जाते हैं पीछे की सीट पे। तो पीछे का जो डोर है वो थोड़ा हल्का है इसके आगे के मुकाबले। यहाँ पर आपको कोई भी स्टोरेज स्पेस नहीं मिलेगा पीछे डोर में। ये पावर विंडो है, ऊपर नीचे कर सकते हो, लॉक थोड़ा इस टाइप का मिलेगा इसमें। और ये देखिए भाई साहब, स्पेस थाई स्पोर्ट आगे भी बहुत है और पीछे भी स्पेस बहुत है। थाई स्पोर्ट और लेग रूम बहुत इनफ है। मैंने सीट को बहुत पीछे कर रखा है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी लेग रूम अवेलेबल है। इसमें 3 या 4 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। और ये बंदूक रखी है, ये सनाया की है, और इसके अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं चारों सीट में। और ये जो बीच वाली सीट दिखाता हूँ आपको, 10 साल से ओपन नहीं, ये आर्म रेस्ट भी है इसके अंदर। हमने आज तक इस आर्म रेस्ट का कोई यूज़ नहीं किया, बाकी इसमें आराम से बैठ सकते हैं आर्म रेस्ट के साथ में। क्यों आर्म रेस्ट का यूज़ किया कभी? नहीं किया। देखो, और एक और बात है, ये OIRVM भी है, ये भी हमने पिछले साल ही यूज़ किया, इसका हमें पता नहीं था। ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। और पीछे जो है, पीछे बहुत ज़्यादा बूट स्पेस है इसमें, लगभग 450 लीटर बूट स्पेस है। ये पार्सल ट्रे दे रखी है। अभी मैं आपको बूट दिखा देता हूँ इस गाड़ी का कितना है। इसमें पीछे जो है ना पार्किंग सेंसर भी लगे हैं, 1, 2, 3, आप इनको बंद भी कर सकते हो। और ये देखो बूट स्पेस 450 लीटर का, ये बेड भी बन जाता है इसमें, 2-3 आदमी आराम से सो जाते हैं बेड बना के। तो ये है रेनो डस्टर RX। तो ये था हमारा डस्टर का रिव्यू, जो कि गाड़ी का किसी का हमने फर्स्ट टाइम किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।